देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में दोपहर को छात्रों ने हंगामा किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने होलकर कॉलेज की एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी को हटाने के संबंध में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि एनएसएस अधिकारी ने मनमानी के चलते सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है। महिला अधिकारी छात्र को एनसीसी में होने के बाद भी एनएसएस के कैंप लेकर गई, कई बार मनमानी तरीके से वो कार्य करती आई है। पहले हम लोगों ने एक शिकायत होलकर महाविद्यालय की रजिस्ट्रार साहब और प्रकाश गढ़वाल जी जो एनएसएस के यहाँ के प्रभारी हैं इस विद्यालय के, उनको की थी। उसमें शिकायत में ये था कि होलकर महाविद्यालय में एनएसएस के कैंप में 7 दिनों तक एनसीसी का एक छात्र गया था, जो दोनों कैंपों का लाभ मैडम की वजह से ले रहा था। वहाँ की जो कार्यक्रम अधिकारी सीमावती सिसोदिया मैडम है, उनकी वजह से ले रहा था। तो इसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ पर की थी कि सीमावती सिसोदिया मैडम जो है निरंतर अपने सरकारी फंड का दुरुपयोग कर रही हैं। पूर्व में भी मामले हम लोगों ने यहाँ पर होलकर महाविद्यालय में अवगत कराए थे कि वो बाहरी छात्रों को कैंप में लेकर जाती है, क्लासों में पढ़ाने छात्रों को नहीं जाती। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस बार ये सोचा कि जिस प्रकार से सरकारी फंड का दुरुपयोग निरंतर हो रहा है, महाविद्यालय उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग विश्वविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी जो हैं उनको बताएं कि आपका कार्यक्रम फंड का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, क्या किसी तरह की कार्रवाई की मांग की आपने, क्या चाहते हैं आपकी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि ये निष्पक्ष योजनाएं होती है, तो इसमें छात्र अपनी योग्यता के आधार पर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। वहाँ पर सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट का भी मोल लग रहा है। वो छात्रों को ये कह रही हैं कि ये नहीं करोगे तो मैं हटा दूंगी, ऐसा वैसा ये वो सारी प्रकार की चीज़ें होती है। और हम लोग यहाँ पर शिकायत कर कर ये आश्वासन इनसे चाहते थे पुराने रूप से कि कार्रवाई हो। मैडम जो सीमावती सिसोदिया मैडम है, उनके बारे में फंड का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है, तो यहाँ से ये लोग लिख कर साबित हुआ है तो भेजें और प्रिंसिपल सर को अनुशंसा करें कि उन्हें पद से हटाया जाए। उनका ये आरोप था कि स्टूडेंट ऐसा है जिसने एनसीसी भी किया हुआ और वो एनएसएस के कैंप में शामिल हुए। ये लोग पूर्व में मेरे पास आए थे, तो हमारे जो कार्यक्रम समन्वयक हैं मिस्टर गढ़वाल जी, मैंने उनसे कहा भी था और होलकर साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र भी हम लोग लिख चुके हैं कि इस संबंध में आप नियमानुसार कार्रवाई करें। अब इस सब और इसके संबंध में आगे की क्या कार्रवाई की है, इसकी जानकारी भी उनसे लेंगे और विश्वविद्यालय नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी करें। शासन का ये भी आरोप है कि जो सरकारी फंड है उसका दुरुपयोग किया गया है, तो सर उसकी कोई राशि लोगों ने आपके समक्ष रखी है? नहीं, इस तरह से नहीं रखी। पहले तो ये तो देख लें कि वास्तव में कुछ इस तरह की कोई त्रुटि हुई है क्या, ये इन लोगों का आरोप है। अब उसको हम जाँच करवा लें, पहले ये प्रमाणित हो कि अगर ऐसी कोई त्रुटि हुई है, सही में हुई है, तो फिर उसके लिए हम आगे के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।